हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम संडे के फंडा सीरीज में देखेंगे कंप्लीट रेफरिएशन प्रोसेस जो रेफरिएटर में कंडक्ट होता है। जनरली आपने जो रेफरिएशन में थ्योरी पढ़ा होगा लाइक वीसीआर साइकिल की, कहां कंप्रेसर होता है, किस तरह कंप्रेसर वर्क करता है। साथ ही साथ यहां पे एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो एचएमटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, उसको भी यहां पे हम समझेंगे। तो पहले इन जनरल जो बेसिक कंपोनेंट है रेफ्रिजरेटर के उनको देख लेते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको आप इवोपरेटर कहते हो, और जो इवोपरेटर कॉइल्स होती हैं या फिर फ्रीजर भी आप कहते हो, जो इवोपरेटिंग कॉइल होती है जो आपने नॉर्मली इवोपरेटर पढ़ा है वीसीआर साइकिल में, तो इसके चारों ओर आपकी इवोपरेटिंग कॉइल लगी होती है। मतलब मेन जो हीट एक्सट्रैक्ट करता है आपका रेफ्रिजरेंट वो सबसे पहले इसी मीडियम से करता है, और उसके बाद सबसे पहले जो कूलिंग इफेक्ट या फिर ये कहिए सबसे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है वो यहां देखने को मिलता है। इसीलिए जब आपको मैक्सिमम कूलिंग रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक वर्किंग मीडियम के लिए, लाइक आपको वाटर से आइस बनाना है, तो आप इस पर्टिकुलर प्लेस पे लगते हो जो फ्रीजर कहते हैं। और इसी के थ्रू जैसे कि यहां पे यहां की जो एयर है रेफ्रिजरेटिंग मीडियम या फिर रेफ्रिजरेंट आपका यहां से मैक्सिमम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो एयर है दैट विल बी वेरी कोल्ड, और इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। जब इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा तो इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो लोअर टेम्परेचर पे जैसे डेंसिटी बहुत हाई होगी वो एयर नीचे सेटल डाउन होने का ट्राई करेगी। तो आपने ओल्ड रेफ्रिजरेटर में या रेफ्रिजरेटर में ये देखा भी होगा कि एक ही केबिन होता था, और एक ही केबिन से यहां से इस पोर्शन से कट लगा होता था, और कंप्लीट एयर ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस इट स्टार्ट टू मूव फ्रॉम टॉप पोर्शन टू द बॉटम पोर्शन। ये आपका आप कह सकते हो नेचुरल कन्वेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है हीट ट्रांसफर का। इसीलिए जब आपको मैक्सिमम कूलिंग चाहिए होती है तो डायरेक्टली आप फ्रीजर में अपना मटेरियल रखते हो, उसके बाद जैसे जैसे आपको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, आप एयर की सप्लाई या फिर मीडियम जो रखने की जगह है आप उसको नीचे लेके जाते हो। सो यहां पे जो आपका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा लिटिल बिट हायर एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि नॉर्मली जो एयर है यहां पे उसका मिनिमम टेम्परेचर इट स्टार्ट टू सेटल डाउन, और जो लोअर टेम्परेचर यहां पे आपका जो लोअर पोजीशन है यहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा इस कंप्लीट कैबिन में दैट स्टार्ट टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह आप फ्रीजर को सेट करते हो इस पर्टिकुलर पोर्शन को कि इस कंप्लीट कैबिन में प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए, तो नेचुरल कन्वेक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। एंड अब सेकेंड पोर्शन पे हम चलते हैं, क्या जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है। तो एक कंपोनेंट आप यहां से देख सकते हो कि ये जो कंपोनेंट है इसके जो पीछे आप कॉइल देख पा रहे हो ये सारी इवोपरेटिंग कॉइल है, यहां से क्लियरली विजिबल नहीं होंगी। आफ्टर दैट कंडेंसर, देन कंप्रेसर, एंड देन रेफ्रिजरेटिंग या फिर ये कहिए एक्सपेंशन डिवाइस जो होगी वो एग्जैक्टली इसके पीछे पोर्शन में होंगी। लेट्स सी दीज ऑल द कंपोनेंट। तो रेफ्रिजरेटर के जो चारों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइक कंप्रेसर या फिर आप इवोपरेटिंग कॉइल, एक्सपेंशन डिवाइस और उसके बाद ये कंडेंसर, ये चारों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप यहीं से समझ सकते हो। कंप्रेसर के जो इनलेट पे है वो इवोपरेटर का आउटलेट कनेक्टेड है, एंड आफ्टर दैट जो भी रेफ्रिजरेंट यहां से कंप्रेस हो रहा है दैट इज गोइंग टू एंटर इनटू द कंडेंसर, और ये पूरी कंडेंसर कॉइल के थ्रू आपका जो हीट है दैट विल बी रिजेक्टेड इनटू एटमॉस्फेयर, और उसके बाद फिर से ये जो पोर्शन होगा दैट विल एंटर इनटू द थ्रॉटलिंग डिवाइस। इस थ्रॉटलिंग डिवाइस में या फिर आपके ये एक्सपेंशन डिवाइस में आएगा, और एक्सपेंशन डिवाइस के बाद यहां से फिर से ये इवोपरेटर में एंटर हो जाएगा। तो ये चारों इंपॉर्टेंट डिवाइस आप यहां पर देख सकते हो। इसके कंप्लीट फंक्शन को समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट थ्योरिटिकल पार्ट की क्या क्या आप थ्योरी में रेफ्रिजरेशन में पढ़ते हो। इस संडे के फंडा सीरीज में जैसा कि आप ऑलरेडी देख रहे हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का वर्किंग मीडियम, कैसे रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, कौन कौन सी साइकिल जो आप वीसीआर साइकिल डिस्कस करते हो वो किन किन कंपोनेंट्स से होकर गुजरती है, और एक अलग से भी प्रोसेस होता है जो एयर सर्कुलेशन का होता है। तो आपने रेफ्रिजरेटर एक्चुअल रेफ्रिजरेटर में सारे कंपोनेंट देख लिए होंगे, एयर का सर्कुलेशन अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए इसी को और डिटेल में समझने के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर ईच एंड एवरी पार्ट एंड इट्स फंक्शन माय डियर। लाइक जो आज का टॉपिक है आपका दैट इज द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के प्रॉपर वर्किंग को समझना। देन अगर हम मेन कंपोनेंट की बात करने आए जो हमने सबसे ऊपर फ्रीजर देखा था, तो अगर आप उसके पैनल को देखोगे, इंटीरियर पैनल को अगर देखोगे देन इट विल लुक लाइक दिस।
ये कंप्लीटली ऐसे आपको दिखाई देगा, मतलब जो आपका ऑलरेडी फ्रीजर था उसका जो बैक पोर्शन था उसमें ये इवोपरेटिंग कॉइल्स होती थी, इवोपरेटिंग ट्यूब्स होती थी। एंड आफ्टर दैट अगर आप जो बैक साइड पैनल को अगर ओपन करते हो तो ये कुछ इस तरह का आपको कंडेंसर नजर आएगा, दिस इज द कंडेंसर माय डियर। और ये जो आपने यहां इस पोर्शन में देखा था इट वॉज कंप्रेसर, बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ ही साथ ये आपका जो इवोपरेटिंग और कंडेंसर कॉइल दोनों साइड में देख सकते हो, और शायद यहां पे क्लियरली विजिबल नहीं है, बट इसी पोर्शन में जो आपका होता है दैट इज योर एक्सपेंशन डिवाइस, इसको आप थ्रोटलिंग डिवाइस बोलते हो। कैपिलरी ट्यूब नॉर्मली आप यूज कर रहे हो यहां पे, कैपिलरी ट्यूब यू आर यूजिंग हियर, ओके इन दिस केस राइट। तो ये चारों कंपोनेंट हो गए। अब होता क्या है, मेनली जो हीट रेफ्रिजरेंट लेता है दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम हियर, यहां से एब्जॉर्ब की जाती है। इसीलिए जब कभी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आता है या फिर आरई लिखते हो उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जो आप साइकिल रिप्रेजेंट कर रहे हो वो साइकिल आपके मीडियम की नहीं है जो कूल हो रहा है, वो साइकिल है इस रेफ्रिजरेंट की, कि जो रेफ्रिजरेंट जहां जहां जाता है उसका इफेक्ट क्या आपको देखने को मिलता है, लाइक इन कंप्रेसर, लाइक इन इवोपरेटर, लाइक इन कंडेंसर या फिर थ्रोटलिंग डिवाइस। अब इन चारों कंपोनेंट को अगर आप देखने आओ तो दिस एंटायर साइकिल ऑफ वीसीआर विल बी समवेयर लाइक दिस। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो यहां पे आप देख रहे हो वो कुछ इस तरह से होगी, मतलब जैसे आपका रेफ्रिजरेंट सबसे पहले इवोपरेटर में एंटर करता है तो यहां जो भी आपका इवोपरेटर में या फिर फ्रीजर में आपका मीडियम या एयर अवेलेबल है उससे इट विल एब्जॉर्ब द हीट, और इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए जो आप वीसीआर साइकिल बनाते हो रेफ्रिजरेंट की, उसमें जब भी कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है रेफ्रिजरेंट में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि कूलिंग आप मीडियम की कर रहे हो, लाइक आपके वेजिटेबल्स और मिल्क या फिर आपको आइस बनाना है, जो भी केबिन के अंदर सामान रखा हुआ है उसकी कूलिंग कर रहे हो, और वो कूलिंग कब होगी जब ये रेफ्रिजरेंट आपकी हीट लेगा। देन आफ्टर दैट दिस रेफ्रिजरेंट विल एंटर इनटू द कंप्रेसर, और जहां पे इसका जो एंथैल्पी होगी दैट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2, एंथैल्पी इंक्रीज कर दी जाएगी। और ये एंथैल्पी इंक्रीज क्यों करते हो, कि यहां जो इवोपरेटर ने हीट ली है दैट इज अवेलेबल एट अ वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे है, तो रेफ्रिजरेंट यहां पे अगर हीट लेके आगे बढ़ा भी है तो उसका टेम्परेचर अभी इतना नहीं है कि वो एटमोस्फेयर के इक्वल हो जाए। सो टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट वी हैव टू सप्लाई सम वर्क, मैकेनिकल वर्क सप्लाई करते हैं जो कंप्रेसर में किया जाता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अदरवाइज जो आप यूज कर रहे हो हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर आप यूज कर रहे हो राइट। आफ्टर दैट यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है, और यहां पे टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का मोर देन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर हो जाता है, दैट इज सफिशियंट, इवन मोर देन सफिशियंट टू रिजेक्ट द हीट इन टू द एटमोस्फियर। तो कंडेंसर में जाके क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, एंड आफ्टर दैट इट इज पास थ्रू द थ्रोटलिंग डिवाइस, जहां पे फिर से इसका टेम्परेचर, क्योंकि अभी जो एग्जिट पे टेम्परेचर है वो नियर अबाउट एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर से कम नहीं हो सकता, वो नियर अबाउट एटमोस्फियर है, वर दिस फ्रीजर टेम्परेचर इज मच लोअर देन एटमोस्फियर। सो अगर इस टेम्परेचर पे आप डायरेक्टली रेफ्रिजरेंट को एंटर करा दोगे तो होगा क्या, उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज राइट नाउ एट द एटमोस्फियर टेम्परेचर जब रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा तो ये हीट रिजेक्ट करने लगेगा, जबकि इसको हीट एब्जॉर्ब करना था। डिवाइस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, तो डायरेक्टली इस रेफ्रिजरेंट को पहले थ्रोटल कराते हो सो दैट इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, टोटल एंथैल्पी सेम रहती है लेकिन जो T3 और T4 है उसमें चेंज आ जाता है, मींस T4 इज मच लेसर देन T3 माय डियर, T3 से बहुत कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि ये टेम्परेचर लोअर देन दिस मीडियम टेम्परेचर, जो यहां पे मीडियम रखा हुआ है उससे बहुत कम हो जाता है, देन इट इज एंटर इनटू द इवोपरेटर, और इस तरह से आप कंप्लीट इस इवोपरेटर में हीट को मीडियम से एब्जॉर्ब करके फिर रेफ्रिजरेंट इस पूरी साइकिल में कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर साइकिल जो आपने रेफ्रिजरेटर में देखा था, और एक आपकी जो एयर साइकिल होती थी वो प्योर कॉन्सेप्ट था आपका किसका, हीट ट्रांसफर का, जो आपको ये बताता है कि मैक्सिमम रेफ्रिजरेटर में जो आपका इवोपरेटर होता है वो ऊपर ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ऊपर अगर इवोपरेटर होगा या फ्रीजर होगा तो आपका
मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन होगा, एयर कोल्ड होगी, जितनी ज्यादा एयर कूल होगी उतनी हाई डेंसिटी होगी, और हाई डेंसिटी वाली एयर नीचे जाने लगेगी होगी, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ प्रॉपर मिक्सिंग। वो कंडीशन आपकी प्रॉपर मिक्सिंग की होगी और प्योर आपका नेचुरल कन्वेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर।